बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है माय डॉक्टर। और माय डॉक्टर में कैंसर सीरीज हमारे साथ शुरू है, तो हमारे साथ कैंसर सीरीज में होते हैं द सीनियर मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ नागपुर डॉक्टर सुशील मानधनिया, मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदास पे। वेल, कैंसर सीरीज हमारी चल रही है और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों के दिलो दिमाग में जब कैंसर आता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा घर जाती है, विच इज़ कीमोथेरेपी। अभी कीमोथेरेपी होती क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, एडवांसेस बहुत हो चुके हैं तो अब एडवांस ट्रीटमेंट किस प्रकार है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, ये सारी बातों पर चर्चा करने के लिए वी हैव आ सीनियर मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ नागपुर डॉक्टर सुशील मानधनिया। डॉक्टर मानधनिया, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कीमोथेरेपी, सबसे पहले इन योर वर्ड्स व्हाट डू यू हैव टू से? कैसा होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के तीन चार पहलू है जी। सबसे पहला पहलू था सर्जरी, करेक्ट। उसके बाद आया रेडिएशन। हाँ। पर कई बार ऐसा देखा गया था कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 2 सेंटीमीटर की गांठ थी, ऑपरेशन करके ब्रेस्ट तो पूरा निकाल दिया। हाँ। पर 1-1.5 साल बाद बीमारी फिर से आ जाती थी। तो ये समझ में आया कि ऐसा क्या होगा कि भाई जब पूरा बीमारी निकाल दी फिर भी बीमारी क्यों आई। देन दे अंडरस्टूड कि भाई ये बीमारी लोकल नहीं है, सिस्टमिक है। इसका मतलब इसके जबकि गांठ एक जगह पर है और उसके सेल्स पूरे ब्लड में है और पूरे ब्लड के द्वारा वो पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अब ये पूरे ब्लड के जो सेल्स में फैले हुए कैंसर के सेल्स, अब इसको तुम कैसे निकालोगे? तो देन वी अंडरस्टूड कि भाई इसको कैसे किल करें। तो उसके लिए फिर एक आया ट्रीटमेंट, दैट इज कीमोथेरेपी। तो कैंसर के कोई भी दवा को कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई कि ये जो ब्लड के द्वारा पूरे सेल्स तक पहुँचे और जहाँ जहाँ कैंसर के सेल्स है उसको वो किल कर दे। Okay. तो कीमोथेरेपी के जो मुख्य जो प्रकार है वो है इंजेक्टेबल, मतलब आप सलाइन के द्वारा देते हैं इसको। right. क्योंकि पेशेंट कई बार पूछते हैं कीमो में मशीन होती है, बहुत धुआं निकलेगा, बहुत अंगार होती है, बहुत उसमें साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत सारे मिथ्स है पेशेंट्स के। okay. कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि कैंसर के कोई भी दवा को कीमो बोलते हैं। वो इंजेक्शन भी है, वो टैबलेट्स के रूप में भी होती है, इंट्रापेरिटोनियल में कई बार दवा को डायरेक्टली अंदर भी डालते हैं, इनहेलेशनल भी कई बार कीमोथेरेपी बहुत रेयर इसमें रहती है, वो भी रहती है। तो पर मोस्टली 95% जो हम जो यूज़ करते हैं वो इंजेक्टेबल्स होती है। धीरे धीरे अब ओरल कीमोथेरेपीज भी काफ़ी आने लग गई है। तो इसका उद्देश्य वही है कि सिस्टमिक ट्रीटमेंट जो है, माइक्रोमेटास्टेसिस जो ब्लड में छोटे छोटे कैंसर के सेल्स है उसको भी किल कर दे ताकि दोबारा बीमारी स्प्रेड ना हो या दोबारा बीमारी वापस ना आए। तो ये दिस इज मेन उद्देश्य कीमोथेरेपी का। पर इसमें ये बाद में ये देखा गया कि भाई कई बार ट्यूमर इतने बड़े होते थे कि डायरेक्ट सर्जरी नहीं हो पाती थी। अच्छा। तो फिर कीमोथेरेपी का इसमें भी रोल आया कि भाई ट्यूमर को दवा देके हम पहले श्रिंक कर देते। हाँ। ताकि ऑपरेशन से बीमारी पूरी निकले और ऑपरेशन की तीव्रता कम हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो ये कीमोथेरेपी का एक अलग प्रारूप है। और तीसरा कीमोथेरेपी का प्रारूप है कि स्टेज 4 डिजीज में भी कीमोथेरेपी देते हैं कि जब सर्जरी संभव नहीं है, इसमें रेडिएशन संभव नहीं है, तो हम कीमोथेरेपी के द्वारा बीमारी को कंट्रोल करते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ को एक्सटेंड कर सके और उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। और किसी किसी पेशेंट में तो इससे क्योर भी मिलते हैं। ओके। कहीं ना कहीं ओवर द टाइम एडवांसेस बहुत आ चुके हैं और कीमो में भी अब एडवांसेस हैं। पहले के कीमो को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी गलत धारणाएं थी, बहुत सी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं उसके प्लस पॉइंट हैं तो उसके माइनस पॉइंट भी हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसको लेकर जो पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं। तो किस तरह के एडवांसेस आए हैं कीमोथेरेपी में? देखिए, कैसा था कि जब शुरुआत में कीमोथेरेपी हुई थी तो दे वर वेरी बेसिक ड्रग्स, बहुत ही ऐसे क्रूड ड्रग्स थे और उस समय इतना एडवांसेस था ही नहीं। फिर धीरे धीरे नए नए दवाई आने लग गई, तो दवाइयों के साथ साथ में उसके क्योर भी बढ़े, रिस्पॉन्सेज भी बढ़े। पर एक लेवल के बाद में हम आके रुक गए थे, उसके ऊपर हम जा नहीं पा रहे थे, क्योर के लिए भी और कंट्रोल के लिए भी। फिर ऐसा समझ में आया कि भाई उसके अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे 3 हफ्ते वाली दवा है हम उसको टुकड़े में हफ्ते में देते हैं। अच्छा। इसको बोलते हैं वीकली कीमोथेरेपी। अच्छा। इसके फायदे ये होते हैं कि भाई दवा का डोज बहुत कम लगता है, जैसे आपको 3 हफ्ते में समझो 300 मिलीग्राम देना है, हमको हफ्ते में हमको 100 ही देना है,
तो वो 100 मिलीग्राम पेशेंट एक समय पे झेल सकता है, पर कई बार वो 300 मिलीग्राम वो पूरी तरह से नहीं झेल पाता पेशेंट, दैट इज कॉल्ड 100 mg 100% नहीं दे पाते, 33% ऐसा वीकली देते, ये एक फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी है, जिससे हमने देखा कि रिस्पॉन्सेज भी बढ़े, साइड इफेक्ट्स भी कम हुए, और हम एल्डरली पॉपुलेशन में जो एजेड पॉपुलेशन थी 70-75 साल ऐसों को भी हम ये दवा दे सके, जिससे कि उनके साइड इफेक्ट भी नहीं हुए, रिस्पॉन्सेज भी बेटर थे और क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। पर इसके बावजूद भी हमने देखा कि अब इसके बाद भी देर वॉज स्टेप एक ठहराव आ गया, प्लाटो आ गया, रिस्पॉन्सेज बढ़ रहे थे। देन वी अंडरस्टूड कि भी हर कैंसर में कुछ ना कुछ खासियत होती है जो कि उसको कैंसर का उग्रता देती है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशनल स्टेटस। अब जो गाड़ी है, मारुति कार है, उसको 40 की स्पीड में भी चलाने वाले लोग हैं, 60 की स्पीड में, 120 की स्पीड में भी चलाते, तो वो कौन क्या, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो ये ड्राइवर पे डिपेंड करता है। तो कैंसर में भी ड्राइविंग म्यूटेशंस होते हैं, कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो कि बहुत ही उग्र होते हैं, जिससे बीमारी स्टेज वन की बीमारी भी बहुत उग्रता से जाती है, कुछ म्यूटेशन होते हैं जो कि बहुत उग्र नहीं होते, तो एक ही कैंसर में अलग अलग प्रकार समझ में आने लगे। तो हमारा काम हुआ कि उसको विच्छेदन करके कौन सा प्रकार है उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक दे, उसको बोलते हैं टारगेट थेरेपी। अब इसका जो उदाहरण देना चाहूँगा, एक जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में इस सदी मुझे पिछले 100 ईयर्स का बिगेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ था एंटी हर्टू थेरेपी, हर्टू रिसेप्टर पे ट्रास्टुजुमाब नाम का ड्रग था। तो जैसे सेल है, कैंसर का सेल पे एक रिसेप्टर है, अब ये रिसेप्टर के कारण, हर्टू रिसेप्टर के कारण उसके जो कैंसर की स्पीड थी वो ज़्यादा थी। अब उसमें ये देखा गया था कि भाई इसको अगर रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो हो सकता है कि हम इस सेल्स को किल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट आया, दैट इज कॉल्ड ट्रास्टुजुमाब एंटी हर्टू थेरेपी। तो ये कहते हैं रिसेप्टर जाके चिपक जाते हैं जिससे कि वो कैंसर के सेल्स किल हो जाते हैं, पर नॉर्मल सेल्स पे इसका इफेक्ट नहीं होता। तो इससे फायदा ही होता है कि कैंसर का क्यूर बढ़ गया और साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो गए। तो ये एक जस्ट एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर में। तो ऐसे पहले ट्रास्टुजुमाब आया, फिर पर्टुजुमाब आया, फिर इसके बाद में इसमें कम से कम 5-6 और अलग अलग तरह के ड्रग्स आ गए जो कि इससे भी बेहतर है। जैसे लंग कैंसर, पहले लंग कैंसर में कीमोथेरेपी देते थे, हार्डली 6-9 महीने पेशेंट निकाल पाते थे स्टेज 4 में, पर जब से हमको पता चला कि इसमें EGFR रिसेप्टर्स होते हैं, EGFR म्यूटेशंस होते हैं इसमें, फिर बाद में पता चला कि भाई रॉस म्यूटेशन है, ALK म्यूटेशन है, PD-L1 म्यूटेशंस है, तो ये जैसे जैसे हमको पता चले तो उसके अगेंस्ट में दवाइयाँ आने लगी जो कि ओरल ड्रग्स है। अब विश्वास नहीं करोगे, स्टेज 4 कैंसर जो कि आपको 3 महीने 6 महीने 8 महीने में पेशेंट खत्म हो जाते थे या डेथ हो जाती थी, अभी कुछ कुछ मरीज जो 8-8 साल 5-5 साल से गोलियों पर एकदम नॉर्मल है, क्योर्ड है और उनके पेट स्कैन तक के नॉर्मल है। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि हम उस बीमारी को बेहतर समझ पाए और उसके जो ड्राइविंग म्यूटेशन को पकड़ के उसके एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट में ट्रीटमेंट दे पाए, दिस इज टारगेट थेरेपी। अब इसके बावजूद भी एक जमाए के बाद में हम इसमें भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने लगी थी, प्लाटो आ गया था और हमारा साइंस को लगने लगा कि भाई और क्या बेटर कर सके जिससे, तो देन केम दी इम्यूनोथेरेपी। अभी जो करंट जो सबसे हॉट जो हमारा टॉपिक चलता है ऑन्कोलॉजी में डिस्कशन में, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। और इसमें आपकी जब ये इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है कि ऐसे कैंसर के सेल्स होते हैं जो कि आपके नॉर्मल इम्यूनिटी, चोर पुलिस का खेल चल रहा है, ये चोर है और शरीर में पुलिस भी है, पर वो चोर पुलिस से छुपता रहता है, तो दैट इज इवेशन ऑफ द इम्यूनिटी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर आपको हिंदी में समझाना चाहो तो ये जो इम्यूनिटी से जो कैंसर के सेल बसते हैं, तो वो इम्यूनिटी जो कारण से बसते हैं उस कारण को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इम्यूनिटी जाके कैंसर के सेल्स को किल कर देती है। तो दिस इज इम्यूनोथेरेपी, बस इतना समझ लीजिए। पर इसके जो रिजल्ट्स है दे आर वेरी वेरी ड्रामेटिक, और इसमें तो कुछ कुछ स्टेज 4 कैंसर में हम क्योर भी देख रहे हैं। तो हम आए थे कीमोथेरेपी, देन एडवांस कीमोथेरेपी, देन कीमोथेरेपी के डिफरेंट शेड्यूल्स, देन टारगेट थेरेपी, देन ओरल टारगेट थेरेपी, एंड नाउ इम्यूनोथेरेपी। तो इतना एडवांस, 0 से हम 1930 के आसपास से जब शुरुआत हुई थी इसकी, जब ये सिंगल ड्रग था, टैबलेट थी, और उससे कुछ रिजल्ट्स भी नहीं थे, और आज की पोजीशन में 30-100 साल जब हो चुके हैं, तो वी आर इन ए वेरी वेरी एडवांस फेज। तो अभी तो कुछ कुछ कीमोथेरेपी इसके शेड्यूल ऐसे आए कि जिसमें शायद सर्जरी को भी ओवरटेक कर ले, सर्जरी की भी जरूरत ना पड़े। ऐसे कुछ स्टडीज है रेक्टम में जहाँ पे उन्होंने कीमोथेरेपी देखा था अर्ली स्टेज में, अगर इम्यूनोथेरेपी भी साथ में दी थी, और अगर वो क्योर हो गए पेट स्कैन पे और बायोप्सी भी 0 है,
तो ऐसे मरीज में सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप इमेजिन करिए रेक्टम कैंसर जिसमें पेशेंट को संडास की थैली लगानी है और आप उसको बोलो कि आपको दवा से क्लियर हो जाएगा और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कितना बड़ा चीज़ है उसके लिए कि भाई थैली लगा के घूमना, मेरे को संडास के लिए एक जो फील लेती है अपने को सुबह मॉर्निंग में कि भाई मुझे मोशन होनी चाहिए, फिर मैं किसी के घर जाऊंगा तो एक इसको कैसे संभाल पाऊंगा, फिर फैमिली लाइफ है उसकी, सेक्सुअल लाइफ है, सब चीज़ें इफेक्ट हो जाती है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी एक्साइटिंग फेज ऑफ ऑन्कोलॉजी राइट नाउ। कहीं ना कहीं जब कीमो की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो जहन में लोगों की आती है वो है इसके साइड इफेक्ट्स। इस पे बात करना बेहद ज़रूरी, तो साइड इफेक्ट्स से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए कैसा ना, साइड इफेक्ट्स जो एक शब्द है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है सह परिणाम और टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब दुष्परिणाम, तो दोनों अलग है। साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, तो लोग दोनों को एक समझते हैं, दे आर नॉट सेम। फर्स्ट थिंग ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक दरवाजे पे मेरे पैर से मारता हूँ मैं, मुझे दर्द होता है तो ये साइड इफेक्ट है, पर मेरे नसें फट जाती है, ब्लीडिंग हो जाता है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट के बीच की जो दायरा है ना वो छोटा है, दैट इज थेरापूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग, ये बहुत छोटा रहता है। तो साइड इफेक्ट से टॉक्सिक इफेक्ट में जाने में बहुत समय नहीं लगता, सब परिणाम से दुष्परिणाम में। तो यहाँ आपका आर्ट, यहाँ आपकी ट्रेनिंग, यहाँ आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है इसमें, ताकि भाई हमको पता है कि भाई दवा का असर होना चाहिए पर उसका दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे समझते हैं, तो इसमें एक ही दवाई होती है, उसके 50 तरीके होते हैं देने के। जैसे एज देखते हैं हम, पेशेंट का जनरल कंडीशन देखते हैं, उसकी मॉर्बिडिटी देखते हैं कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, इसका हार्ट ही खराब है, इसका किडनी खराब है, इसके फेफड़े खराब है, जॉइंट्स खराब है, नियरली ओवरवेट है। तो इसमें दवाइयों के शेड्यूल चेंज होने जरूरी है ताकि पेशेंट के हिसाब से वो दवा दी जाए। अब यही मरीज है नागपुर का, यही मरीज है गढ़चिरौली का, तो मेरे ट्रीटमेंट में चेंज आएगा थोड़ा सा, शेड्यूल में चेंज आएगा, मैं उसको कैसे बेचारे को हर हफ्ते बुलाऊं, तो उसको 3 हफ्ते की दवाइयों के शिफ्ट करते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि भाई हमको पेशेंट का कन्वीनियंस भी देखना जरूरी है, या तो पेशेंट का कन्वीनियंस नहीं देखते हैं तो कई बार बहुत थ्योरेटिकल हो जाते हैं, और हो सकता है कि कई बार पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ दे बीच में, क्योंकि उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में आज खेती का काम चल रहा है, किसी घर में शादी है, बच्चों के एग्जाम है, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, माँ बीमार है, ये सब चीज़ें फैमिली भी इश्यूज होते हैं। तो ये भी चीज़ें कीमोथेरेपी के प्लानिंग में आती है, जब जनरली आना नहीं चाहिए, पर मेरा सोच रहती कि ये आना जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है इसमें। सो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। और साइड इफेक्ट्स को कैसा ना कि एंटीसिपेशन ऑफ साइड इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले कैसा था कि साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंशन की कोई दवाइयाँ नहीं थी इतनी अच्छी, जैसे उल्टियों के लिए कोई दवाई इतनी अच्छी, अभी तो इतने अच्छे ड्रग्स आ गए उसमें कि सिंगल ड्रग, डबल ड्रग, ट्रिपल ड्रग, 4 ड्रग्स, अभी तो 4 ड्रग थेरेपी यूज़ होती है एंटी एमिटिक के लिए, जो वॉमिटिंग ना हो उसके लिए। कई बार जो फीवर आते थे, तो पहले फीवर क्यों आते थे, काउंट्स कम हो जाते थे, पर काउंट्स कम होते क्यों थे, कीमोथेरेपी के कारण, पर हमारे पास ऐसा कोई दवाई नहीं थी जिससे कि काउंट्स कम ना हो। पर अब इसे क्या होता था कि जैसे आज में जो दवा देना है और अगला दवा 3 हफ्ते बाद देना है, और पेशेंट के काउंट्स ही 6 हफ्ते तक ऊपर नहीं आते थे, तो दवा दे कैसे, तो इसी कारण दवा का डिले हो जाता था, बीमारी भी बढ़ जाती थी, क्योर्स भी कम होते थे। पर नाउ वी हैव गॉट गुड ड्रग्स जो कि ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, जिससे कि दवा देने के तुरंत बाद हम काउंट्स के इंजेक्शन देते हैं, उससे ये फायदा होता है कि काउंट्स गिरने से पहले ऊपर हो जाते हैं। अभी काउंट्स का मतलब है WBC, ये हमारे भगवान है, ये हमारे सोल्जर्स है, ये हमारे फाइटर्स है। अगर ये बॉडी में अच्छे लेवल पे है तो अगर कोई इन्फेक्शन आता भी है तो दे कैन किल दैट। सो ये साइड इफेक्ट्स को टॉक्सिक इफेक्ट में ना जाए, उसके लिए बहुत अच्छे प्रिवेंशन है। और हमारे पास अभी बेटर एक्सपीरियंस है दवा का, जैसे कैप्सिटामिन एक नाम की दवा थी, झिलोड़ा नाम से आती थी, जब मैं टाटा में था तो ये दवा का डोज था वो वेस्टर्न डोज था। हम जो भी पेशेंट को वो वेस्टर्न डोज में देते थे, सबको भयानक साइड इफेक्ट होते थे, पूरे हाथ पैर काले हो गए, फफूले आ गए, फोड़े आ गए। फिर हमको समझ में आया कि भाई ये इंडियन पेशेंट्स इतना डोज टॉलरेट नहीं करते, तो दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग कर्व। तो धीरे धीरे हमारा लर्निंग कर्व भी बेटर हुआ है, अभी हम दवाइयाँ समझ सक रहे हैं कि भाई हमारे मरीजों में कितना दे सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स वो कितने झेल सकते हैं, क्योंकि हमारा जेनेटिकल मेकअप इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न। और ये सभी दवाइयाँ वेस्टर्न कंट्रीज से, US से जनरली आती है, क्योंकि स्टडीज़ वहाँ होते हैं, और हमारे पास जब आती है तो हमारे स्टडीज होने के रहते हैं उस पर, तो हमारे जेनेटिकल मेकअप के हिसाब से उसका डाइजेशन, उसका एक्सक्रीशन, उसकी टॉक्सिसिटीज हो सकती है। अब एक एग्जांपल दूंगा, जैसे जेफिटिनिप एक ओरल ड्रग था जो कैंसर के लिए था, लंग कैंसर के लिए, इसका जो ट्रायल थे वो US में फेल हो गए, ये ड्रग को विड्रॉ करना का बात आ गया। पर सडनली कुछ स्टडीज आई चाइना से और कुछ एशियन कंट्रीज से, जिसमें देखा गया कि ये ड्रामेटिक काम करती है एशियंस में। आप सोचो कि ये दवा US में काम नहीं करी, ये दवा एशियंस में काम करे, तो व्हाई इट वाज सो, बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूटेशंस।
तो ये भी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है ताकि हमारे पेशेंट को बेहतरीन से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिले, कम से कम साइड इफेक्ट मिले और मोर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बहुत अच्छी से कर सके उसके। कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स के बाद जब टेंशन आता है या फिर एक बर्डन आता है पेशेंट्स के दिमाग में, वो है इसके चार्जेस को लेकर, क्योंकि कीमो के चार्जेस हर जगह वेरी करते हैं और बहुत डिफरेंट है। कहीं ना कहीं चार्जेस ज्यादा भी होते हैं क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट इटसेल्फ इज लिटरली थोड़ा हेवियर साइड पे है पॉकेट के। तो कहीं ना कहीं आप इतने टाइम से सेवा दे रहे हैं और आप इन पेशेंट्स को भी काफी हेल्प करते हैं, तो इसके लिए मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं? देखिए कैसा होता है कि ये देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, वन इज कॉर्पोरेट एंड वन इज ओन सेटअप। अब जैसे ओन सेटअप में हमारे हाथ में होता है कई बार चीजें ना, अब कॉर्पोरेट में कई बार हम चाह के भी उसको मदद नहीं कर पाते बिकॉज द थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स। तो कैसा होता है कि हमने देखा कि जब मरीज आते हैं हॉस्पिटल में तो कई बार तो उनको बेजबाज करके आना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे कैसा प्रोटोकॉल हमने पहले दिन से, अभी से नहीं जब से आया मैं तब से करता हूँ ये चीज़ के, कि इनके लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे पीएम फंड है, सीएम फंड है, कुछ कई बार तो हम डोनेशंस लेके भी करते हैं। अगर गरीब पेशेंट है और हमको लगता है कि क्यूरेबल है या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम उसको बेड चार्ज, डॉक्टर चार्ज, सिस्टर चार्ज, कीमोथेरेपी चार्ज कुछ नहीं लेते। आप दवा लाएंगे, दवा लगवा देते हैं पेशेंट को और कोशिश करते हैं कि दवा में भी अब उसको जितना भी कम से कम मदद कर पाए अपन दवा के प्रोक्योरमेंट में वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग, बट देर आर लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स इन गवर्नमेंट साइड से, जैसे सीएम फंड हमारे हॉस्पिटल में हर पेशेंट के लिए हम लाख रुपए की मदद लाते हैं अगर गरीब है तो, ताकि उसको उसके थ्रू उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, और प्रधानमंत्री के थ्रू उनको 3 लाख रुपए तक की मदद मिल जाती है। तो अगर आप 3-4 लाख की मदद पेशेंट को करवा देते हैं तो काफ़ी कुछ उसको हेल्प हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम होता है शुरुआती 15-20 दिन, 1 महीना जब उसको डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, उसके सर्टिफिकेट्स बनने हैं, उसमें उसको थोड़ा सा खर्चा लगता है उसमें। तो वहाँ पे भी जो हेल्प हो सकती है हम कोशिश करते हैं। और कई बार होता है ना कि हमको थोड़ा प्रैक्टिकल भी चलना पड़ता है। अब जैसे अब ये गरीब पेशेंट है, स्टेज 4 डिजीज़ है, अब इसका मेरे को पता है कि ये दवा देने से मैं इसकी लाइफ को 2 महीने बढ़ाऊँगा, पर मैं ये दवा से 2 महीने बढ़ाने से मैं इसको 10 लाख का खर्चा करूँगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वी कैनॉट गो ब्लाइंडली विद दी प्रोटोकॉल्स, वी हैव टू सी कि भाई हमारे देश में, हमारे जनता में और उनके पॉकेट के हिसाब से उसको कितना न्याय दे पा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिटी से उन्हें अवेयर करना। अब मेरे पास ओरल कैंसर से, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सिटुक्सिमैब नाम की दवा है, जो एक डोज का कम से कम 40,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, और वही जो हम ओरल टैबलेट्स देते हैं उसमें 700 रुपये में हो जाता है पेशेंट को, 1,000 रुपये में खर्चा हो जाता है और उससे बेहतर रिजल्ट आते हैं उसमें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि गोली है, घर पे खाना है, उसको भर्ती नहीं होना है, बार बार आने की जरूरत नहीं है और साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। तो हमको हमारे लोकल प्रॉब्लम के लोकल सॉल्यूशंस भी ढूंढने बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच डॉक्टर मानधनिया। कीमोथेरेपी को हम आज बहुत डिटेल में जान पाए हैं। कीमो और शब्द और कैंसर एक शब्द जो है उसे कहीं ना कहीं सुनते ही एक फियर आ जाता है, बट स्पेशलिस्ट ऐसे हों तो एक्सपर्टीज ऐसे हों और ऐसे स्पेशलिस्ट हैंड्स हमारे साथ हों तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आज एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और हर चीज़ पॉसिबल है। कैंसर से डरे नहीं, उसे फाइट करें, बस इतना ही कहेंगे। मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट को लेकर, कैंसर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे डॉक्टर सुशील मानधनिया के साथ। अगर आप कोई ऐसी एडवाइस लेना चाहते हैं कैंसर रिलेटेड, अगर आपके घर में या आसपास किसी पेशेंट को कैंसर है, तो प्लीज़ आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। डॉक्टर सुशील मानधनिया बहुत ही क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पहले क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनका हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल, रामदास पे। देखते रहिए बीबी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ VKB News पर।